हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज सूरज कुमार तिवारी एंड यू आर वाचिंग कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप एमएस वर्ड में आने वाले ट्रिपल सी में आने वाले क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो ऑनलाइन ही पढ़ाई करके, किस प्रकार से आप एमएस वर्ड की सारी चीज़ें जान सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन कर लेता हूँ। एमएस वर्ड को ओपन करने की प्रक्रिया तीन प्रकार की होती है। एक तो आप यहाँ पर जा करके स्टार्ट बटन पर क्लिक करके और यहाँ पर आप सर्च कीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो यहाँ पर जैसे ही माइक्रो सर्च करेंगे तो यहाँ पे ऊपर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपने आप आने लगेगा। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि आप विंडोज बटन दबाइएगा। विंडोज बटन यानी कि कैसा होता है विंडोज बटन, ये बटन आप देख सकते हैं इसको। तो ये विंडोज बटन है। तो विंडोज बटन के साथ आर बटन आपको दबाना है। विंडोज के साथ आर बटन दबाइएगा तो रन कमांड खुल जाएगा। कैसे खुलेगा मैं आपको दिखाता हूं। मैं यहाँ पे विंडोज के साथ आर बटन प्रेस करता हूं एक बार। ये देखिए विंडोज और आर बटन जैसे ही मैंने दबाया यहाँ पे रन कमांड खुल करके आ गया। आप देख सकते हैं रन कमांड यहाँ पे विन वर्ड लिखा हुआ है। अगर कुछ और भी लिखा हो तो आप इसे हटा दीजिए और यहाँ आप लिख दीजिए विन वर्ड। विन वर्ड एक कीवर्ड होता है जिसके जरिए आप एमएस वर्ड को सर्च कर सकते हो। अब जैसे इंटर करिएगा तो एमएस वर्ड खुल जाएगा। तो ये तो खोलने का तरीका रहा। एक और तरीका होता है खोलने का, यहाँ पर आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करें। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम्स पे जाएं। ऑल प्रोग्राम्स पे जाने के बाद ऐसे सीरीज पे जाना है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे सीरीज लिखा हुआ आ रहा है, ये क्लिक करिए और फिर यहाँ पर आपको एमएस वर्ड मिल जाएगा इसमें। ठीक है, एमएस वर्ड इसमें आ जाएगा। और अगर आप फिर भी नहीं खोज पा रहे तो यहाँ पर एसेसरीज पे आप आ ही चुके हैं, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो नीचे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको मिल जाएगा और क्लिक कर दीजिए तो इसमें एमएस वर्ड भी आपको दिख जाएगा। यहाँ पे जैसे कि एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से तीन तरीकों से इसको खोला जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं आगे। ठीक है, तो आइए चलिए बात कर लिया जाए जूमिंग की। तो यहाँ पे देखिए नीचे जूमिंग दी हुई है। एमएस वर्ड में एक और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मैक्सिमम जूमिंग कितनी होती है। ठीक है, तो ये देखिए मैं इसको यहां से जूम करता जा रहा हूं तो मैक्सिमम जूमिंग यहां पर 500 पर आकर के रुक जा रही है। ठीक है, तो यहां पे 500 पर जैसे ही आके ये रुक रही है तो आप अब इसकी मिनिमम जूमिंग भी देख लेते हैं कि कितना मिनिमम जूमिंग है। ठीक है, तो आइए देख लिया जाए कि मिनिमम जूमिंग कितना है इसका। यहां से इसको घटाइए और इसको घटाते जाइए और देखिए मिनिमम जूमिंग इसकी होती है 10। तो यहां पे 10 आ रहा है। इसको हम बोलते हैं ये जो पट्टी सी बनी हुई दिख रही है आपको, जहां पर आपको तमाम व्यूज दिख रहे हैं। यहां पे ले जाने पे ड्राफ्ट व्यू है, ये वेब लेआउट आउटलाइन व्यू, वेब लेआउट व्यू, ये फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू और ये प्रिंट लेआउट व्यू। तो ये तमाम जो व्यूज दिख रहे हैं पांच प्रकार के आपको, इसे हम कहते हैं, इस पट्टी को हम कहते हैं स्टेटस बार। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्यूज कहां दिखाई पड़ते हैं, तो स्टेटस बार पे दिखाई पड़ते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, मिनिमम मैक्सिमम जूमिंग तो हो ही गई। इसके बाद आइए चलिए आगे बात करते हैं सबसे ऊपर क्या आपको दिखाई पड़ रहा है। एमएस वर्ड में जो सबसे ऊपर दिखाई पड़ रहा है इसे हम कहते हैं टाइटल बार। आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट जो टाइटल होती है डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3 ऐसे करके आती है। यहां पर बाय डिफॉल्ट टाइटल जो है डॉक्यूमेंट 1 है। हम चाहे तो टाइटल चेंज भी कर सकते हैं सेव करते वक्त। चलिए आइए आगे बात कर लेते हैं। यहां पर ये जो पट्टी सी दिख रही है फॉर्मेट पेंटर, ये वाली पट्टी जिसमें आपको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, इसके अलावा ये फॉन्ट फॉन्ट साइज जो दिख रहा है, इसके अलावा अलाइनमेंट जो है और ये बुलेट्स एंड नंबरिंग जो आ रहे हैं यहां पे, ये सारे इसे हम कहते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग टूल बार। ठीक है, तो इसे हम फॉर्मेटिंग टूल बार कहते हैं। आपको ये समझ में आ रहा होगा। और ये जो दिख रहा है ना ऊपर होम इंसर्ट पेज लेआउट, इसे हम मेन्यू बार कहते हैं। ठीक है, ये जो है रूलर बार है। रूलर बार को ऑफ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो रूलर बार को ऑफ किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? व्यू टैब पे क्लिक कीजिए। आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे रूलर पे टिक लगा हुआ आएगा, इसको अनटिक कर दीजिएगा तो ये रूलर बार ऑफ हो जाएगा। लाना है तो इस पर अनटिक कर दीजिए, टिक कर दीजिए तो ये आ जाएगा। हटाना है तो अनटिक कर दीजिए तो हट जाएगा। तो ये चीजें आप देख सकते हैं। और ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन को भी ऑफ किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ये देखिए ये मैंने ग्रिड लाइन लगा दिया तो इस तरह का कुछ दिखने लगा, ग्रिड लाइन हटा दिया तो कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। चलिए आइए आगे बात करते हैं। इसे हम कहते हैं ऑफिस बटन। सेव वगैरह का जो भी ऑप्शन होता है ये सारा ऑफिस बटन में आता है, आप देख सकते हैं। देखिए न्यू अगर फाइल खोलनी है तो इसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल एन, ओपन करनी है तो कंट्रोल ओ, सेव करना है कंट्रोल एस, F12 से सेव एज होता है, कंट्रोल पी से प्रिंट होता है। ठीक है, ये इसी तरह से ये सारी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं।
होम टैब में आते हैं तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई होंगी कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे हम कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। आप देखिए मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूं और आप देख पा रहे होंगे कि ये ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। अगर नीचे कोई स्क्रॉल बार आता तो उसे हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ट्रिपल सी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है इंसर्ट मेन्यू से कि यहां पर ड्रॉप कैप जो है, ड्रॉप कैप में बाय डिफॉल्ट कितनी लाइनें पाई जाती हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि ड्रॉप कैप होता क्या है। देखिए ड्रॉप कैप जैसे मान लीजिए आपने पेपर पढ़ा होगा, पेपर पढ़ते होंगे आप, तो पेपर में पहली जो टाइटल होती है पेपर के पहले पेज की, जैसे मान लीजिए आप पढ़ते हैं आज, आज नाम का पेपर आप पढ़ते हैं। मैं यहां से फॉन्ट चेंज कर लेता हूं ताकि मुझे लिखने में सुविधा हो। यहां पर देखिए क्लिक किया मैंने, अब हमें आज लिखना है तो यहां मैंने लिखा आज, ये लिख दिया आज। अब आज का अ जो है, आ जो है बहुत ज्यादा कैपिटल, बहुत ज्यादा बड़े लेटर में लिखा होता है। जैसे कि यहां पे मैं जाऊं ड्रॉप कैप पे और यहां पे ड्रॉप कर दूं तो ये देखिए आज का अ जो है काफी बड़ा कैपिटल में आ गया है, तो ये जो है ड्रॉप कैप कहलाता है। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ड्रॉप कैप कहां पाया जाता है, तो इंसर्ट मेन्यू में पाया जाता है, ठीक है। ड्रॉप कैप के साथ साथ वर्ड आर्ट भी एक ऐसा ऑप्शन है जो ग्राफिक सॉल्यूशन शो करता है। इसके अलावा हेडर फुटर कहां होता है, तो इंसर्ट में भी होता है, और पुराने वर्जन में कहां होता था, व्यू टैब में भी होता था, तो दोनों आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं ड्रॉप कैप में कितनी लाइनें होती हैं। तो ड्रॉप कैप में बाय डिफॉल्ट तीन लाइनें होती हैं, आपको यही जवाब देना है, तीन लाइनों पर ही टिक करना है। तो अगर आप ट्रिपल सी का पेपर दे रहे हैं तो तीन लाइन वाले ऑप्शन पर टिक कर दीजिए तो आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा यहां पर हाइपरलिंक काफी पूछा जाता है कि हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस के दबाने से हम हाइपरलिंक्ड हो जाते हैं, ठीक है। कंट्रोल के साथ के दबाइए तो ये हाइपरलिंक्ड हो जाएगा, ठीक है। ये यहां पे मैं दबा के दिखा भी देता हूं, यहां पे किसी डॉक्यूमेंट का आपको लिंक क्रिएट कराना है तो यहां पे हाइपरलिंक आप करा सकते हैं। जैसे ये एमएस एक्सेस की एक फाइल है, इसका मैंने यहां पे लिंक क्रिएट करा दिया है, ठीक है, तो ये हाइपरलिंक्ड हो गया है। तो ये सारी चीजें हैं, आप देख सकते हैं इसको। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इन सारे चीजों को जानने के बाद अब आते हैं मेल मर्ज वाले ऑप्शन पे, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मेल मर्ज एक ऐसा ऑप्शन है जो मेलिंग टैब में पाया जाता है, और मेलिंग टैब में पाए जाने वाले इस ऑप्शन में होता क्या है कि अगर आप एक ही बार में एक ही लेटर, एक ही बार में बहुत सारे लेटर हैं लेकिन लिखा जो मैटर है उसमें, जो मैटर आपने उसमें लिखा है वो सिर्फ एक ही है, तो एक बार में कई सारे लोगों को एक ही लेटर भेजने के लिए जो ऑप्शन प्रयोग किया जाता था पहले वो मेल मर्ज था, और ये माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के थ्रू ये मैसेज भेजा जाता था, ठीक है। इसके लिए ये जरूरी होता था कि आपका भी आउटलुक पर एक अकाउंट हो, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है एमएस वर्ड का एक फीचर था, ठीक है, पहले बहुत यूज हुआ करता था लेकिन जब से जीमेल आ गया तब से ये चीजें खत्म हो गई। तो उस व्यक्ति के पास जिसको आप ये लेटर भेज रहे हो उसके पास भी एमएस आउटलुक का अकाउंट होना चाहिए, तभी आप भेज पाओगे। तो ये मेल मर्ज एक बार में एक से अधिक लोगों को लेटर भेजने के लिए प्रयोग किया जाता था, ये एक ऑप्शन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इस पे भी आप केयर करिएगा। इसके अलावा यहां पर व्यू टैब में, रिव्यू टैब में आ जाते हैं तो एक क्वेश्चन देखिए, ये सारे टूल्स हैं, ये जैसे रिव्यू टैब है, मैं आपको दिखाता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। अब देखिएगा यहां पे जरा मैं फॉन्ट भी चेंज कर दूं। अब देखिए यहां पे मैं कुछ अगर लिखता हूं और उसमें कुछ मिस्टेक हो जाती है तो वो चेक करने के लिए हमें ऑप्शन, जैसे ये इंसर्ट है तो इंसर्ट में आई एन एस ई आर टी दिख रहा है आपको, आई आर टी कर देता हूं मैं, और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और मैं क्या करूंगा F7 प्रेस करूंगा। F7 ही वो शॉर्टकट की है जिससे स्पेलिंग और ग्रामर आप चेक कर सकते हो। तो देखिए जैसे ही F7 प्रेस किया ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब इस डायलॉग बॉक्स में क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, इग्नोर वंस, अगर आपको लगता है, चूंकि ये ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड जो है ये ऑफलाइन हम यूज कर रहे हैं अभी, तो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर में जो चीजें डाली गई होंगी पहले से, जितने स्पेलिंग जितने मीनिंग्स डाले गए होंगे वही शो करेगा, जैसे इग्नोर वंस। अगर आपको लगता है कि ये स्पेलिंग आपके जो एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है इसमें नहीं होगा और आपको लगता है कि ये स्पेलिंग सही है तो आप इसको इग्नोर वंस कर सकते हो, ठीक है। यही ऑप्शन कई बार आया है और कई बार गलती शो कर रहा है तो इग्नोर ऑल कर सकते हो, या आप चाहते हो कि इसको डिक्शनरी में ऐड कर दिया जाए तो ऐड टू डिक्शनरी पर क्लिक कर सकते हो, या आपको लगता है कि ये स्पेलिंग गलत है तो आप यहां से चेंज पर क्लिक कर सकते हो, या बहुत सारे ऐसे मीनिंग आए हो
जो गलत शो कर रहा हो, रॉन्ग शो कर रहा हो, तो आप यहाँ से चेंज ऑल पे भी क्लिक कर सकते हो। ऑटो करेक्ट पे क्लिक करोगे तो ये ऑटो करेक्ट हो जाएगा, अपने आप ये करेक्ट करके दे देगा कि ये क्या सही होगा क्या गलत होगा। देखिए यहाँ पे इंसर्ट जो मैंने ऑटो करेक्ट किया तो ये टोटली इंसर्ट यहाँ पे लिख करके आ गया। तो ये सारे ऑप्शन इसमें होते हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा। कभी कभी तो यही क्वेश्चन पूछ देता है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करते वक्त कौन कौन सा ऑप्शन शो करता है, तो अगर आपको ये पता होगा कि देखिए अब यहाँ पे चेंज ऑल ऑटो करेक्ट के अलावा यहाँ पे डिक्शनरी लैंग्वेज शो कर रहा है, चेक ग्रामर शो कर रहा है, ऑप्शन शो कर रहा है, अंडो शो कर रहा है, और क्या शो कर रहा है, कैंसिल शो कर रहा है, यानी एडिट वाला ऑप्शन यहाँ शो नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी होंगी। चलिए आइए अब बात कर लेते हैं एक और शॉर्टकट की जिसका नाम है F1। F1 दबाने से यानी फंक्शन की F1 दबाने से हेल्प वाला डायलॉग बॉक्स खुल करके आ जाता है। आप देख सकते हैं इसमें अगर मैं F1 दबाता हूं तो ये हेल्प वाला डायलॉग बॉक्स खुल करके आ जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आपको ध्यान देने होंगे एमएस वर्ड में। इसके अलावा रेफरेंस टैब में हेडर फुटर पूछा जाता है, एंड नोट फुट नोट भी पूछा जाता है, और इंसर्ट टैब में हेडर फुटर पूछा जाता है। तो हेडर फुटर हर पेज पर बाय डिफॉल्ट प्रिंट होकर आता है, ये बात जान लीजिए आप। हेडर फुटर जहां भी लगाइएगा आप, हेडर फुटर का मतलब क्या होता है, जैसे किताब आप पढ़ते हो तो किताब में एक हेडर दिया होता है एक फुटर दिया होता है, ठीक है, हेडर फुटर बाय डिफॉल्ट हर पेज पे प्रिंट होकर आता है। और इवन पेज पे इवन यानी सम पेज पे सम यानी 2, 4, 6 इसे सम कहते हैं, सम पेज पर सम हेडर और ऑड पेज पर ऑड हेडर भी लगाया जा सकता है। ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ रेफरेंस टैब से दिख जाएंगे। ठीक है, हेडर फुटर पे आप जाइएगा तो यहाँ पे अब एंड नोट फुट नोट की बात कर लेते हैं। यहाँ से आप जाइएगा जब हेडर फुटर पे तो यहाँ पे आपको तमाम ऑप्शन मिल जाएंगे हेडर फुटर के, जब आपको हेडर फुटर लगाना होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे हेडर एक लगा के दिखाता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए ये हेडर है, हमें ये वाला हेडर लगाना है, तो यहाँ पे देखिए ये हेडर लगा दिया हमने। अब यहाँ पे जो टाइटल है मैं यहाँ पे देता हूँ, जैसे टाइटल दे दिया मैंने IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम, ठीक है, तो ये दे दिया। अब ये किस ईयर में किताब छपी है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2019, जैसे मान लीजिए 2019 में छपी हो तो ये 2019 दे दिया हमने। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अब जैसे ही मैं दूसरे पेज पे जाऊंगा, देखिए ये एक ही पेज है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ये जो स्टेटस बार है इस पे लिखा हुआ आ रहा है कि एक ही पेज है। अब जैसे पेज इंसर्ट कराना है तो आपको कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करना है, तो कंट्रोल के साथ इंटर दबाइए और जैसे इंटर दबाएंगे दूसरा पेज आ जाएगा, तो वही टाइटल दूसरे पेज पे आ रही है। अब तीसरा पेज इंसर्ट कराना है तो कंट्रोल के साथ फिर इंटर दबाइए तो ये तीसरा पेज आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 लिखा हुआ आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये हम इंसर्ट करा सकते हैं। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। इसके अलावा यहाँ पर फाइंड और रिप्लेस खूब पूछा जाता है कि फाइंड और रिप्लेस क्या होता है, बाय डिफॉल्ट दो लाइनों के बीच में स्पेस कितना होता है ये भी खूब पूछा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 1.15 जो स्पेस होती है बाय डिफॉल्ट वो 1.15 होती है। ठीक है, आप इसे घटा बढ़ा भी सकते हैं, इसे रिमूव कर सकते हैं, कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट 1.15 होती है। ठीक है, और आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट किधर से लिखना होता है। जैसे बाय डिफॉल्ट मैंने खुद से अगर हम कोई सेटिंग नहीं करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहां पे कोई नाम लिखता हूं, जैसे मैं अपना ही नाम लिखता हूं, तो ये देखिए टेक्स्ट किधर से लिखना प्रारंभ कर रहा है। कुछ भी मैं लिखता हूं तो यहां पर टेक्स्ट जहां से भी लिखना प्रारंभ कर रहा है वो साइड कौन सी है, ये साइड है आपकी लेफ्ट, देखिए ये लेफ्ट साइड है, मैं यहां पर लिख देता हूं लेफ्ट। ठीक है, ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड से टेक्स्ट हमारा लिखना प्रारंभ करता है इसमें, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा फाइंड खूब पूछा जाता है, तो फाइंड की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल एफ, कंट्रोल के साथ CTRL के साथ आप एफ दबाइएगा तो फाइंड वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, तो फाइंड वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपको खोजना क्या है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है इंसर्ट, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया था, तो उसी को मैं सर्च करता हूँ, देखता हूँ क्या आता है, तो फाइंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए ये इंसर्ट जो हम सर्च कर रहे थे वो सेलेक्ट होकर आ गया है। तो ये तरीका है फाइंड का। अच्छा, रिप्लेस का भी शॉर्टकट की पूछा जाता है, तो रिप्लेस का क्या होता है आपको ये ध्यान रखना है, तो रिप्लेस के लिए कंट्रोल प्लस एच दबाना होता है। तो यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल प्लस एच दबाइएगा ये इंसर्ट को हम इंसर्ट से रिप्लेस कर रहे हैं, देखिए INSERT इंसर्ट कर दिया जैसे हमने, तो यहाँ रिप्लेस किया, रिप्लेस ऑल करने से ये ऑप्शन जहां जहां ये जो गलती हुई होगी स्पेलिंग में जहां जहां गलती हुई होगी वो रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन हमें फिलहाल रिप्लेस करना है तो यहाँ रिप्लेस पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही आप रिप्लेस करिएगा तो ये इंसर्ट जो है IRT जो हो गया था वो ERT हो जाएगा अपने आप। आइए देखते हैं हुआ नहीं, तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अपने आप जो है SNERT INSERT हो गया है।
तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ आप ए दबाइएगा तो ये पूरा ऑप्शन सेलेक्ट हो जाता है, वही यहां पे दिया हुआ है। गो टू के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ जी दबाइएगा तो गो टू हो जाता है, तो गो टू जहां भी जाना है। सेक्शन लाइन नंबर, लाइन नंबर 5 पे जाना है हमें, तो यहां 5 लिख देंगे तो जैसे ही गो टू पे जाएंगे तो 5वें लाइन पे हम आ जाएंगे। जैसे आप यहां देख सकते हैं कि हम 5वें लाइन पे पहुंच चुके हैं, यहां पे शो कर रहा है, कर्सर ब्लिंक हो रहा है, तो ये बात समझ में आई होगी। यहां पर आपसे एंड नोट फुट नोट पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। एंड नोट पैराग्राफ के लास्ट में क्रिएट होता है, शॉर्टकट की अल्ट कंट्रोल डी होती है, ठीक है। और फुटनोट कहां क्रिएट होता है, फुटनोट पैराग्राफ के लास्ट में, पेज के लास्ट में क्रिएट होता है, तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। आई होप कि यह बात आपको समझ में आई होगी कि किस किस प्रकार से एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।